तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। यस, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये टाइटल देखो तो पता चल गया, ये वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट जहाँ पे सरकार ने डिसीजन ले चुका है कि मतलब हमारा आने वाले कल और कल फ्यूचर में एक ही चार्जर यूज़ होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत में एक देश का आधार कार्ड के बाद अब बारी है चार्जर की। यस, यू हर्ड दैट राइट। तो भारत में 1500 से भी ज्यादा चार्जर को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का फैसला ले लिया है, सिवाय एक चार्जर के। इनफैक्ट आने भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, एप्पल, सैमसंग, सभी को फोन के लिए वही कॉमन एक चार्जिंग पोर्ट बनाना होगा। बट कौन सा गाइस? तो वेल, शाओमी का ये फोन रेडमी नोट 12 आता है 207 वोल्ट के चार्जर के साथ। मतलब ये चार्जर 9 मिनट में फुल 100% चार्ज कर देता है आपका फोन। तो क्या फ्यूचर में आपके फोन को 9 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है? वेल, द आंसर इज अ नो, क्योंकि Xiaomi तो इंडिया की लिस्ट में लास्ट है। इनफैक्ट इंडिया का वन साइज फिट्स ऑल चार्जर USB टाइप सी चार्जर है। वेल फ्रेंड, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इंडिया ने बड़े ही टैक्टिकफुली इन मोबाइल कंपनी के बड़े बड़े स्कैम से डील करने के लिए ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया है। सो एस यू मे ऑल नो, इन 2020 में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वह अब से आईफोन के साथ चार्जर नहीं सेल करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि चार्जिंग से उनका आईफोन का वो जो बॉक्स आता है ना, जो सब लोग अनबॉक्स करते हैं, तो वो काफ़ी हेवी वेट हो जाता है, वो काफ़ी एनवायरमेंटल भी डैमेज क्रिएट करता है। अब ये सुनते ही हमारे कॉम्पिटिशन Xiaomi ने इंस्टेंट ही रिएक्ट किया, एप्पल का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट करना शुरू कर दिया। और एप्पल का मजाक उड़ाते हुए Xiaomi ने तो ये भी कह दिया कि कस्टमर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी उनके फोन के साथ उनका चार्जर मिलेगा। पर मजे की बात तो यह है कि कंपनी ऐसा लगा कि टॉन्स मार्केट एप्पल का कस्टमर को टोट पाएंगे और इसका असर एप्पल का कस्टमर बेस पर पड़ेगा। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, उल्टा इस मूव के बाद एप्पल का सेल्स और भी बढ़ने लगे और वह अपना और भी नया नया मॉडल निकालना शुरू कर दिया एप्पल कंपनी वाले ने। बेसिकली एप्पल ने अपना कस्टमर बेस से बड़े ही स्मार्टली कम्युनिकेट कर लिया था कि चार्जिंग निकालना एक वाइज डिसीजन है कंपनी के लिए और एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह चीजों का भला होने वाला है। अब थोड़ा अगर गौर करोगे, काफी सारी टेक कंपनी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं और फिर उसी की सॉल्यूशंस हमें बेचने के लिए नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, और तो आपको तो पता होगा। और इस चीज में हमारे एप्पल भैया तो काफी जीनियस है गाइस। एप्पल ने जब चार्जर और एयरपोर्ट को बेचना बंद कर दिया था, उसी साल उसने अपना ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन भी लॉन्च कर दिया था। इनफैक्ट फोन में एक ही जैक छोड़ने, यानी कि अगर किसी को एक ही टाइम पर गाना सुनना हो और फोन को रिचार्ज करना हो तो वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक ही जैक है। अब इस तरह की स्ट्रेटेजी का दूसरा एग्जांपल ले लो, जियो का फोन, जिसमें आप उनका फोन पर, जियो का फोन पर आप दूसरा सिम नहीं लगा सकते, क्योंकि गाइस यस यही स्ट्रेटेजी अपनाए जियो ने भी एप्पल का। तो यस, आपको जियो फोन यूज करना होगा तो आपको बस जियो सिम चाहिए होगा गाइस, तो बिना जियो सिम का आप नहीं चला सकते गाइस। मान लो आपका फोन 12 स्लॉट वाला है और आपको मोबाइल डाटा यूज करना है, तो उसमें भी आपको क्या लगेगा,
दो ही जियो सिम लगेगा, तो कोई चारा नहीं है दूसरा सिम यूज़ करने का। सो व्हाट इज स्ट्रेटजी, राइट? एमिंग्स टूवर्ड्स ए मोनोपोली। सो बेसिकली ये ब्रांड करते ही कुछ ऐसा सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वो आपको इनका ही प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा और डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम आते हैं हमारा मेन मुद्दे पर। चार्जर के बेस पर कंपनी सिंपली एक नॉक ऑन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है? देखो भाई, कंपनीज तो हमें ये बताते हैं कि अगर एक बंदा न्यू फोन बाय करेगा तो वो उसके लिए अपना पुराना चार्जर यूज कर सकता है, राइट? से नया चार्जर खरीदने का जरूरत ही क्या है? बट यस, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि अक्सर पुराने चार्जर पर ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाता है, स्लो परफॉर्मेंस हो जाता है वगैरह वगैरह। तो सिंपली इंसान को ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है और कस्टमर भी यही सोचता है, और इसलिए 65,000 iPhone 13 के साथ 2000 रुपए का चार्ज, 1800 रुपए का क्या USB चार्जर। सो आप बेसिकली ये सब खरीद ही लोगे। सो टैक्सेस और डिलीवरी को लेकर मिनिमम से मिनिमम का फोन उसको कितने पे पड़ा? वेल, 70,000 रुपए का आपको ये फोन पड़ा। अब ऐसे में सोचो कि गाइस आपके पास एंड्रॉइड फोन है, एप्पल का आईपैड, सोनी का ईयरबड है, तो आप क्या करोगे? आप 3 अलग अलग चार्जर खरीदोगे, राइट? आप सोचो इस न्यू पॉलिसी चेंज के बाद आपको बस क्या एक ही चार्जर खरीदना पड़ेगा जो कि है USB Type C। काफी इंटरेस्टिंगली इंडिया की न्यू मॉडर्न पॉलिसी भी हमारी पुरानी शास्त्र पर ही बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी बनी होती है 5 एलिमेंट्स की। हमारे शास्त्र के हिसाब से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और क्या आकाश, और इन पांचों को हम पंचतंत्र भी कहते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स जरूरी है पृथ्वी पर लाइफ की होने के लिए, और इसलिए हमारे इन्हीं कल्चरल वैल्यूज इंस्पायर होकर मोदी जी ने इंडिया का क्लाइमेट गोल्स को लेकर करंटली अनाउंस किया एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए एक LIFE नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। बाय द वे, दुनिया भर के लीडर ने बढ़ चढ़ कर बधाई भी किए, और इसी मैसिव इनिशिएटिव का छोटा सा पर इम्पैक्टफुल सा हिस्सा ये यूनिवर्सल चार्जर पॉलिसी भी है। मतलब आप अब से इंडिया में ऑपरेट हो रही सारी स्मार्टफोन, यू कह लो लैपटॉप्स, टैबलेट, सबके लिए सिंगल टाइप चार्जर ही यूज होगा। इनफैक्ट इवेंचुअली गवर्नमेंट कहीं लो कॉस्ट फीचर्स फोन्स लाइक नोकिया, माइक्रोमैक्स, इसी टाइप का बेसिक फोन्स के लिए भी इसी चार्जर को लाने का प्लान बना चुकी है। और इंडिया इन नहीं, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सभी स्मार्टफोन, कैमरा, टैबलेट्स, वीडियो गेम्स सभी मैन्युफैक्चरर को 2026 की डेडलाइन भी दे दी है अपने प्रोडक्ट को USB टाइप सी चार्जर कंपैटिबल बनाने के लिए। बट फ्रेंड, आई एम श्योर आपके दिमाग में वो बात बढ़ गई होगी कि Xiaomi 9 मिनट में चार्ज करने वाला उनका प्रोडक्ट दे रहा है। जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है, इंडिया और EU ने दोनों ने ये टाइप सी चार्जर ही क्यों चूज किया? वेल, सिंपल टू वर्ड आंसर है, चाइनीज स्कैम। सो ये तो सबको पता है, इन 2020 में हमारे सरकार ने चाइनीज एप्स, 200 चाइनीज एप्स को बैन किया था। तब से ही हमारे सेंट्रल एजेंसी जैसा ED, DRI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब दूसरे चाइनीज कंपनी को काफी इन्वेस्टिगेट करने लगे, जो हमें नहीं पता है कि वही है कि इन्वेस्टिगेट में हमारा सेंट्रल एजेंसी ने चाइनीज कंपनीज और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस रंगे हाथों पकड़ा है। हाल ही में ED ने Xiaomi कंपनीज का बैन अकाउंट सीज करने के बाद कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को सम्मान किया था। इनके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि कंपनीज 2015 से लेकर अब तक, ध्यान से सुनना, 5,550 करोड़ सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी के तौर पर चाइना में चुकी है,
और जो नॉर्मल कमाई कंपनी करके भेज रही है वो अलग, पर असल में ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी सिंपली इंडिया में मैन्युफैक्चरर के साथ डील करती है। बट ऑन द अदर हैंड यही Xiaomi इंडियन टैक्सेस से बचने के लिए अपनी अकाउंट बुक्स में लॉसेस दिखाती थी। Xiaomi का ये सेम टैक्टिक्स Vivo भी यूज करता था। सो यस, इन सारे चाइनीज स्कैम्स इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत सी इम्पोर्टेंट मूव लिए चाइनीज कंपनी से, समझो यानी कि वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करने का, और इसलिए इंडिया का ये वन साइज फिट्स ऑल चार्जर है एक नॉन चाइनीज USB टाइप सी चार्जर। आप नॉन चाइनीज होने के अलावा भी आई नो हमारे पास और भी ऑप्शन थे, बट टाइप सी को ही क्यों चुना गया? वेल, इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सोच विचार करके डिसीजन लिया। तो सबसे पहले रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी। 98% एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऑलरेडी टाइप सी चार्जर है, इससे ऑपरेट होता है, और यही रीजन है इसकी कीमत भी एप्पल से आधी से भी कम होती है। दूसरा रीजन है इसका एफिशिएंसी। तो अब तो जानते ही होंगे कि USB का मदद से पावर ही नहीं बल्कि 10 GBPS से डाटा भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और अब USB वीडियो सिग्नल को भी 8K रेजोल्यूशंस में भेजने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट रीजन है इसकी स्पीड। जो नॉर्मल iPhone चार्जर 30 मिनट्स में सिर्फ 17% चार्ज होता है, वही सेम फोन USB Type C से आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाता है। बट फ्रेंड, अब आता है अगला इम्पोर्टेंट सवाल, सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है कि लोग अलग अलग चार्जर यूज करें या फिर स्लो चार्जर यूज करें? वेल, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि चाइना और उसके बाद सबसे ज्यादा e-waste जनरेट करने वाला कंट्री बन चुकी है। जस्ट इमेजिन, अगर 5 मिलियन टन US में से सिर्फ 1 मिलियन टन हर साल रिसाइकल होगा तो 5 साल लग जाएंगे इसी वेस्ट को हटाने में। मीनवाइल साइड में 20 मिलियन टन ऑफ e-waste और जनरेट हो जाएगा। इस पूरे विश्व साइकिल को रोकने के लिए बेस्ट तरीका है प्रॉब्लम की जड़ मतलब e-waste जनरेशन को ही कम कर दिया जाए। अब सोचो फ्रेंड, कितना फर्क पड़ेगा कि 3 जगह एक ही चार्जर यूज करने से, और इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में एंड्रॉइड, सैमसंग, एप्पल्स ये सब USB टाइप सी ही यूज करने वाले हैं। अब देखने में ये स्टेप इतना बड़ा स्टेप नहीं लगता, और एग्जैक्टली इसी लॉजिक का फायदा उठाकर टेलीकॉम्स कंपनीज हमें लूटते हैं। क्या आपने सोचा है, जब हम फोन रिचार्ज करते हैं तो 28, 36 और 84 डेज का ही क्यों होता है, और क्यों ना 30, 60 और 90 डेज का? वेल, ऐसा 2-2-3 बचाकर कंपनीज अब से साल भर में 12 की जगह 13 बार आपसे रिचार्ज करवा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। गाइस, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। तब तक के लिए आप पीस।